जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आगे टेंस को पढ़ने वाले हैं। टेंस क्या होता है दोस्त, हमने आपसे कहा था कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखें और ये बहुत उपयोगी है कॉम्पिटेटिव के लिए भी और एकेडमिक के लिए भी दोस्तों। तो वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए हैं तो बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हमारे हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पहुंचे। तो आइए देखते हैं टेंस क्या होता है दोस्तों। टेंस आप सबको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिला होगा और आप जानते होंगे टेंस क्या होता है दोस्त। इसका हिंदी यदि कहें तो काल होता है। काल का मतलब होता है समय दोस्त, समय। तो समय को तीन भागों में अपने क्रिया के अनुसार बांटा गया है दोस्त। एक तो टाइम वो होता है, काल वो होता है जो प्रेजेंट काल आता है। प्रेजेंट का मतलब होता है दोस्तों वर्तमान, हिंदी में वर्तमान काल। और वर्तमान काल का मतलब होता है दोस्तों जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, जो काम स्टार्ट है या अभी अभी खत्म हुआ है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं दोस्त वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, अंग्रेजी में से कहेंगे हम लोग ही रीड्स बुक। दोस्तों, अगर इन सब का हम पहचान पढ़ लेंगे तो इतने इसमें नियम लिखे बताए गए हैं गाइडों में दोस्तों कि आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि कौन क्या है कौन क्या है। तो आपको नहीं जाना है इतना डीपली, उतना कंजक्टेड बात सीखने के लिए। आप सिंपल बस समझिए, बाकी डीपली चीज अपने आप धीरे धीरे आ जाएंगे। इतना बस जानिए कि जो काम चल रहा है या अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन वर्तमान में ही है, मतलब वो काम चालू की स्थिति में ही है, तो उसे हम लोग वर्तमान या प्रेजेंट टेंस कहते हैं उस समय को दोस्त। और दोस्तों, पास्ट टेंस क्या होता है, जो काम बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, जो काल जा चुका है दोस्त, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। भूतकाल क्या होता है दोस्त, तो भूतकाल जो होता है उसमें किसी काम का, किसी समय का, किसी क्रिया का बीत गया हुआ एहसास पता चलता है। जैसे मैं राम किताब पढ़ता था, किताब पढ़ता था यानी राम रेड बुक। दोस्तों, स्पेलिंग तो हमने रीड का ही लिखा है, लेकिन यह रीड का सेकेंड फॉर्म, इसलिए इसको हम रीड को रेड बोलते हैं दोस्त, लेकिन स्पेलिंग वही रहती है, इसलिए थोड़ा सा उच्चारण चेंज करना पड़ता है। तो राम रेड बुक यानी राम किताब पढ़ता था, ये काम बिता हुआ ऐसे था है और उसमें है था दोस्त, जो वर्तमान को हमें बता रहा था। ये बात समझ में आ गया होगा दोस्त, है तो वर्तमान को शो कर रहा है, था है तो भूतकाल को शो कर रहा है दोस्त। और तीसरा बच गया फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस क्या है दोस्तों, जो फ्यूचर टेंस है वह जो है
आने वाला समय है, मतलब ऐसा कोई कार्य हो, ऐसा कोई क्रिया हो जिसमें हमको आने वाले समय के बारे में पता चले, तो ऐसे हम समय को भविष्य काल कहते हैं दोस्त। अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ये भविष्य काल है दोस्त, भविष्य काल या भविष्य समय। अगर इसी वाक्य को हम भविष्य में चेंज करें तो क्या होगा दोस्त? वह किताब, राम किताब पढ़ेगा, राम विल रीड बुक, ये होगा दोस्त। अब राम किताब पढ़ेगा, राम किताब पढ़ेगा, इसमें गा जो है ये बता रहा है सेंटेंस में कि यह फ्यूचर टेंस का है, भविष्य वाले समय का सेंटेंस है, मतलब भविष्य में पढ़ेगा। तो जो एक मुख्य बात है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य में है आता है वर्तमान में होगा, जिस वाक्य में था आता है भूत में होगा, और जिस वाक्य में गाय आता है गी आता है इत्यादि तरह के आते हैं तो हमेशा ही फ्यूचर काल में होगा दोस्तों। तो हमारे टेंस को, हमारे समय को, हमारे काल को तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दोस्त। दोस्तों आगे हम लोग इस टेंस के प्रकार भी पढ़ेंगे, इस टेंस के प्रकार को हम पढ़ेंगे। टेंस के जो प्रकार हैं वह मुख्य रूप से चार होते हैं, आपको लग रहा होगा कि अभी हम प्रकार ही तो पढ़े हैं, टेंस के प्रकार पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन होते हैं दोस्तों। वह तो मुख्य प्रकार था जिसे हमको टेंस का चल रहा था पता, लेकिन जो वर्तमान है वो भी चार तरह का होता है, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को हम लोग इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, और परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के चार प्रकार होते हैं दोस्त, क्योंकि वर्तमान में चार तरह से भी कार्य किए जा सकते हैं, वर्तमान में भी, है वाले में भी, चार तरह से हम वर्तमान में काम कर सकते हैं, इसलिए वर्तमान के चार प्रकार होंगे दोस्त, इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट टेंस था वाला में भी चार तरह के वाक्य होते हैं, चार तरह के क्रियाएं हो, काम हम कर सकते हैं। तो भूत को भी, भूतकाल को भी हम चार भागों में बांटते हैं, और फ्यूचर को भी हम चार भागों में बांटते हैं दोस्त। तो जब वर्तमान के चार प्रकार हो गए, भूत के चार प्रकार हो गए दोस्त, और भविष्य के भी चार प्रकार हो गए, तो कुल कितने प्रकार हो गए टेंस के? 12 प्रकार हो गए दोस्त। तो मुख्य तीन प्रकार हुआ, लेकिन हर एक मुख्य प्रकार का भी प्रकार होता है दोस्त, और चार होता है, तो ऐसे यदि गणना किए हम तो कुल टेंस के 12 प्रकार हो गए, कुल टेंस के 12 प्रकार हो गए दोस्त। जैसे में प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार तो वहां से हो गए दोस्त। फिर पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चार मतलब 8 हो गए। और फ्यूचर का, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार यहां से हो गया, और 8 4 12 हो गए दोस्त। तो कुल कितने टेंस के हो गए प्रकार? तो 12 प्रकार हो गए टेंस के। तो कुल टेंस के 12 प्रकार हो गए दोस्त, और हम देखेंगे कि सेंटेंस कितने तरह का होता है टेंस के अनुसार। तो दोस्तों आपको पता भी होगा टेंस के अनुसार सेंटेंस चार तरह का होता है दोस्त, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव दोस्त। तो कुल जब 12 टेंस हुए, और हर टेंस के, हर काल के वाक्य का चार प्रकार होता है, माने हर समय के चार तरह के वाक्य बन सकते हैं, हम लोग इसको क्रम से देखेंगे, वाक्य बना बना कर देखेंगे, अभी हम केवल फोकस कर रहा हूं उन सब बातों पर
जो हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो 12 टेंस हो गए और हर एक टेंस के 4 वाक्य बनेंगी, तो आप गुणा के बताइए कितने कुल नियम बनेंगे, कितने कुल नियम, कितने तरह के वाक्य बनेंगे। तो 4 वाक्य हर टेंस के होंगे, तो एक टेंस का 4 वाक्य, तो 12 टेंस का 12 चौक 48, कुल 48 तरह के वाक्य बनेंगे दोस्त। तो आपको कुल मिलाकर के 48 तरह के नियम को पढ़ना है, और 48 तरह के नियम को पढ़ लेंगे तो आपका टेंस संबंधी जो भी सेंटेंस है वह आप विधिवत कर पाएंगे दोस्त। तो कहने के लिए तो 48 नियम पढ़ना है, लेकिन 48 नियम नहीं पढ़ना है। 48 नियम को पढ़ने के लिए हमें केवल 5-6 नियम पढ़ लेंगे तो 48 नियम अपने आप ज्ञान में आ जाएगी दोस्त। देखेंगे कैसे, तो बस आप देखते जाइए कि हम कैसे लिंक बाय लिंक जोड़ते जा रहे हैं और हम भविष्य में तो कैसे पढ़ेंगे दोस्त। तो आप लोग अगले वीडियो में फिर देखेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।